सेट रिवील हो चुका है, एक शुभ शुरुआत कह सकते हैं, शो की होगी भगवान के दरबार में होंगे और राधा कृष्ण एक शो आ रहा है। क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत सेट बनाया, काफ़ी मेहनत सबकी लगी। बहुत अच्छा लगता है यही सुनकर कि आपको अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, बिकॉज जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो आपकी एक सोच होती है, आपको मालूम नहीं होता है कि जब लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, आपकी एक थॉट होती है कि आप सोचते हो कि लोग देखें तो बोले बहुत सुंदर है। तो आज आप सब ने ये कहा है एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी यही लगेगा, अगर आप सबको ये लग रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो हम सोच के चीज़ें हमने बनाई हैं वो एग्जैक्टली उस तरह से परसीव हो रही हैं। हर बार हम देखते हैं आपके शोज़ में काफ़ी ग्रैंड सेट्स होते हैं और बहुत बारीकी से हर चीज़ पर काम किया जाता है, जो बाकी शोज़ में मतलब उतना हम नहीं देखते। अगर आप हिस्टोरिकल या माइथो शोज़ की बात करें तो कितना ज़रूरी होता है माइथो और हिस्टोरिकल शोज़ में हर एक बारीकी को टीवी पे दिखाना। मुझे लगता है कि ये कहानी की नीड है, क्योंकि हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब जो ज़माना आज के दौर पर है नहीं, हमें किसी ने देखा नहीं है, कोई ऐसा बैठ के कह नहीं सकता कि हाँ हाँ मैंने देखा है। तो जब हम इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, एक्चुअली रिक्रिएट करते हैं, तो हम रीइमेजिन करते हैं कि कैसा होगा, कैसी होगी वो दुनिया। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि व्यूअर्स के दिमाग में और हमारी हिस्ट्री के हिसाब से हमारी पास्ट काफ़ी ग्लोरियस थी, हमारी पास्ट काफ़ी भव्य थी, तो मुझे अच्छा लगता है कि हम उसे उस तरीके से दिखा पा रहे हैं कि हम उसे वो ग्रैंडनेस के साथ में, उस ग्लोरी के साथ में व्यूअर्स को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें हमारा पास्ट मालूम होना चाहिए, और जब वो पास्ट हम अगर दिखा रहे हैं लोगों को तो अगर उसकी भव्यता है तो हम उसे कम स्तर पे कैसे दिखा सकते हैं। वी नीड टू प्रेजेंट टू द व्यूअर्स द वे इट वाज एट वन पॉइंट इन टाइम और द वे इट वाज इट्स परसीव्ड टू बी एट वन पॉइंट इन टाइम, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शो का जो टाइटल सॉन्ग है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की ज़बान पे चढ़ चुका है, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे, कितना वक्त लगा उसे बनवाने में और जी? बिकॉज नॉर्मली ऐसा शोज़ पे होता नहीं है टेलीविजन में, पर इस कहानी में क्योंकि ये लव स्टोरी थी तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं एक ऐसा गाना बनाता हूँ। और पहले तो ये एक म्यूज़िकल लव स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही गाने हैं। इस कहानी में लगभग 20 गाने हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जो हमने तो अभी सिर्फ एक गाना रिलीज़ किया है जो पहला मेन टाइटल सॉन्ग है इस शो का। तो पर मेरा थॉट यही था कि हम एक ऐसा गाना बनाएं जिसमें मेलोडी हो, जो लोग हम करें, लोगों को एक सेकंड में वो गाना अच्छा लगे, वो गाना सुनने के बाद राधा कृष्ण की लव स्टोरी के बारे में समझ में आ जाए एक गाने के तौर पे। तो उसमें काफ़ी हमने काम किया किस तरह से वो गाना होना चाहिए, वो मेलोडी क्या होगी। फाइनली जैसा उसमें से सूर्यराज कमल ने इसका म्यूज़िक किया, उनकी वो मेलोडी धुन मुझे अच्छी लगी, उसके बेसिस पे हमने इस गाने को डेवलप किया और आज व्यूअर्स को इतना अच्छा लगा है, दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। जब इतने बड़े सेट्स बनते हैं और जब इतने सारे लोग एक साथ वहाँ काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बरतना कितना ज़रूरी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखिए मिसहैप्स तो डेफिनेटली होते हैं एंड इट्स वेरी इट फील्स रियली बैड, आपको बहुत ख़राब लगता है जब कुछ होता है, पर मिसहैप मैं उसे मानता हूँ जिसमें किसी इंसान को चोट पहुँचे। चीज़ें जो बनती हैं वो कभी कभी बिगड़ सकती हैं, कुछ हो सकता है, कोई भी कारण से होता है, ये समझ में आता नहीं है और बाद में हम पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये हो गया या वो हो गया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि ह्यूमन लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी चोट नहीं लगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो है। और सारे लोग इंश्योर्ड हैं हमारे, हम सारे चीज़ों पर जितना हम कर सकते हैं, बाकी तो आई थिंक एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबडी इन एनी सिचुएशन, दोज थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल, बट वट एवर इज़ इन आर कंट्रोल वी टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, वी टेक एवरीबडी इज़ इंश्योर्ड, हूएवर वर्क्स विद अस एवरी थिंग इज़ इंश्योर्ड, वी टेक कम्प्लीट केयर ऑफ एनी इंडिविजुअल एंड एवरी थिंग दैट हैपन विद स्वास्तिक। मैसेज टू द व्यूअर्स इज दैट वी मेड दिस स्टोरी विद अ लॉट ऑफ हार्ट, वी ट्राइंग टू टेल अ टेल विच मेक्स यू अंडरस्टैंड वॉट्स लव। I really wish that you watch it and give us your opinion. We've been very honest with our efforts. Our intent has been very, very clean and we've gone all out in creating this. We really wish that you like it and give us your feedback and let us know whether you loved our work or hated our work or it's okay or there's scope of improvement, because a lot happens because of you, because we get to know what exactly is happening, because whoever says that I know what I'm making, actually you know what you're making, but the viewers' feedback is what defines it. So for me it's very important that the viewers watch the kind of work I do, and I really wish the best. I just watch it and let us know what you think.